आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील जिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 1999 में आई फिल्म दहेक की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। लतीफ बिनी के डायरेक्शन में बनी फिल्म दहेक की शूटिंग राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्रे ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म का एक सीन सज्जनगढ़ फोर्ट में इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें अक्षय खन्ना और जूनियर आर्टिस्ट इस गार्डन में खड़े हुए नजर आते हैं। अब स्क्रीनशॉट में देखकर सज्जनगढ़ फोर्ट की सामने की जो ग्रिल है और डिज़ाइन है इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस गेट को और जो ऊपर जो विंडोज नज़र आ रही हैं इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन सज्जनगढ़ फोर्ट में इसी जगह पर शूट किया जाता है। सज्जनगढ़ फोर्ट को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित यह एक पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है, जो फतेह सागर झील के दृश्य पेश करता है। मेवाड़ राजवंश के महाराजा सज्जन सिंह के नाम पर इसका नाम सज्जनगढ़ रखा गया, जिसे 1884 में बनाया गया था। यह महल शहरों की झीलों, महलों और आसपास के ग्रामीण इलाकों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह मुख्य रूप से मानसून के बादलों को देखने के लिए बनाया गया, इसलिए उचित रूप से यह मानसून पैलेस के नाम से लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा ने अपने पुश्तैनी घर चित्तौड़गढ़ का नज़ारा लेने के लिए इसे पहाड़ी की चोटी पर बनवाया गया। पहले मेवाड़ राज परिवार के स्वामित्व में था, अब यह राजस्थान सरकार के वन विभाग के नियंत्रण में है और हाल ही में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। महल सूर्यास्त का एक सुंदर दृश्य प्रदान करता है। मूल रूप से मानसून बादलों के आगमन और पैटर्न को नोट करने और उनका आकलन करने के लिए 9 मंजिला खगोलीय वेधशाला बनने का इरादा था। महल से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि यह अरावली की एक पहाड़ी की चोटी पर एक रणनीतिक सहूलियत बिंदु पर स्थित है, जिसे बांस दरा चोटी कहा जाता है। इसी वजह से इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। इससे विषयों के रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। जैसमंद झील या डेबर झील राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल झील है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और एशिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अपने प्राकृतिक परिवेश और बांध की स्थापत्य कला की खूबसूरती से यह झील वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है। जैसमंद झील उदयपुर जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पूर्व की ओर उदयपुर सलुम्बर मार्ग पर स्थित है। इस झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। इस झील के किनारे निर्मित संगमरमर की छतरियां इस झील की खूबसूरती पर 4 चांद लगाते हैं। कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में महारानियां यहां आकर रुकती थी, यहां आकर रहती थी। झील के किनारे ही एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, जहाँ वन्य जीवों का खुला विचरण यहाँ आए पर्यटकों को उत्साहित करता है। सिंचाई के लिए इस झील से 2 नहरें निकाली गई है। इस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जैसमंद झील पूरी तरह से भरी होती है, जो इसका क्षेत्र लगभग 50 वर्ग किमी होता है। डेबर झील का मूल नाम जयसमंद था और यहाँ 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोमती नदी के आर पार बने एक संगमरमर के बांध द्वारा निर्मित है। पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गांव तक झील से नहरों द्वारा पानी ले जाया जाता था, जहां तट पर मछुआरों के गांव बसे हुए। महाराणा जयसिंह द्वारा 1687 और 1691 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया। 14,400 मीटर लंबाई एवं 9,500 मीटर चौड़ाई में निर्मित यह कृत्रिम झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की स्वरूप मानी जाती है। महाराणा जयसिंह ने इस भव्य झील का नाम जयसमंद जय समुद्र रखा और इसके किनारे कई महलों का निर्माण भी करवाया, जिनमें उनकी सबसे छोटी रानी कोमल देवी का महल, हवा महल शामिल है। 2 पहाड़ियों के बीच में डेबर दर्रा को कृत्रिम झील का स्वरूप दिया गया। बताया जाता है कि कुछ वर्षों पूर्व इस झील में 9 नदियाँ एवं आधा दर्जन से अधिक नालों से जल आता था, लेकिन अब मात्र गोमती नदी और इसकी सहायक नदियों और कुछ नालों से ही जल का आगमन हो पाता है।
ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ये बताया जाता है कि झील में पानी लाने वाली गोमती नदी पर महाराणा जयसिंह ने 375 मीटर लंबा एवं 35 मीटर ऊंचा बांध बनवाया था, जिसके तल की चौड़ाई 20 मीटर है, ऊपर से चौड़ाई 5 मीटर। बांध का निर्माण बरवाड़ी की खानों के सफ़ेद सुजाता पत्थरों से करवाया गया। झील की मजबूत के लिहाज से दोहरी दीवार बनाई गई। यह विश्व विख्यात झील जय समंद वन्य जीव अभयारण्य का एक अंग होने की वजह से झील और तथा उसके टापू पृष्ठभूमि भाग में मौजूद अरावली पर्वतमाला संघ के जल पक्षियों को आकर्षित करते हैं। फिल्म का एक सीन जय समंद झील के किनारे इन सीढ़ियों पर शूट किया जाता है, जिसमें अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्रे इन सीढ़ियों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देख कर इन सीढ़ियों की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इन हाथियों की प्रतिमा को और इस झील को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन जयसमंद झील के किनारे इन्हीं सीढ़ियों पर शूट किया जाता है। जयसमंद झील को महाराणा जयसिंह द्वारा 1687 और 1691 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया। 14,400 मीटर लंबाई एवं 9,500 मीटर चौड़ाई में निर्मित यह एक कृत्रिम एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। महाराणा जयसिंह ने इस भव्य झील का निर्माण जयसमंद जय समुद्र रखा और इसके किनारे कई भव्य महलों का निर्माण करवाया, जिनमें उनकी सबसे छोटी रानी कोमल देवी का महल और हवा महल शामिल है। दो पहाड़ियों के बीच में डेबर दर्रा को कृत्रिम झील का स्वरूप दिया गया। बताया जाता है कि कुछ वर्षों पूर्व इस झील में से 9 नदियां एवं 1 दर्जन से अधिक नालों से जल आता था, लेकिन अब मात्र गोमती नदी और इसकी सहायक नदी और कुछ नालों से ही जल का आगमन हो पाता है। झील के पृष्ठभूमि में अरावली का ढलान, प्लास के वृक्षों के छोटे छोटे झुरमुट, कई फलों के वृक्ष जैसे खजूर, गुल्लर, लसोरा आदि के वृक्षों से भरा हुआ है। पास के ही खुले मैदान में बेर घेर के वृक्ष यहाँ के वनस्पति नज़ारे को एक अलग ही रूप देते हैं। यह सारा इलाका पुराने समय के ज़माने में राजा महाराजाओं का पसंदीदा शिकार ग्रह था। फिल्म का एक सीन जयसमंद झील की इन सीढ़ियों पर शूट किया जाता है, जिसमें अक्षय खन्ना इन सीढ़ियों पर खड़े होकर गाना गाते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर इन सीढ़ियों की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस हाथी की प्रतिमा को, इन छतरियों को और इसके अलावा इस मंदिर को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन जयसमंद झील के किनारे इन्हीं सीढ़ियों पर शूट किया जाता है। जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान राज्य की अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल झील है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील और एशिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अपने प्राकृतिक परिवेश और बांध की स्थापत्य कला की खूबसूरती से यह झील वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का महत्वपूर्ण स्थल बनी हुई। जयसमंद झील उदयपुर जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर स्थित है। इस झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। इस झील के किनारे निर्मित संगमरमर की छतरियां इस झील की खूबसूरती पर 4 चांद लगाती हैं। झील के किनारे ही एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, जहाँ वन्य जीवों का खुला वितरण यहाँ आए हुए पर्यटकों को उत्साहित करता है। सिंचाई के लिए इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। इस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील पूरी तरह से भरी हुई होती है तो उसका क्षेत्रफल लगभग 50 किलोमीटर होता है। डेबर झील का मूल नाम जय समंद था और यहाँ 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोमती नदी के आर पार बने एक संगमरमर के बांध द्वारा निर्मित है। अगर दोस्तों आप भी अगर घूमने का कहीं मन बना रहे हैं तो एक बार जयसमंद झील का विजिट जरूर करें। यह उदयपुर राजस्थान में स्थित है। फिल्म का एक सीन जयसमंद झील की इन्हीं सीढ़ियों पर शूट किया जाता है, जिसमें अक्षय खन्ना सामने से आते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर इन सीढ़ियों को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों तीनों छतरियों को और छतरियों के पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन जयसमंद झील के इन्हीं सीढ़ियों पर शूट किया जाता है। जयसमंद झील 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली गोविंद बल्लभ पंत सागर के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह झील जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य से घिरी हुई है, जो कि कई तरह से दुर्लभ जानवरों और प्रवासी पक्षियों का आवास स्थान है। उदयपुर की रानी के ग्रीष्मकालीन महल इस झील के आकर्षण में 4 चांद लगाने का कार्य करते थे। आपको बता दें, इस झील के बांध पर 6 सेनेटाफ और शिव को समर्पित एक मंदिर स्थित है।
यह मंदिर इस बात को बताता है कि मेवाड़ के लोग देवी शक्ति के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध थे। कई स्थानीय लोग इस झील को डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। जैसमन झील उदयपुर शहर के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है, जो स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। जो भी इंसान शहर की उथल पुथल से दूर शांति में समय बिताना चाहता है, उसके लिए इस झील की यात्रा करना बेहद यादगार साबित हो सकता है। महाराणा जयसिंह ने खुद 1685 में डेबर झील या जैसमन झील का निर्माण करवाया। 36 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करते हुए यह झील तब तक एशिया की सबसे बड़ी निर्मित झील बनी रही। फिल्म का एक सीन जैसमन झील के किनारे इन सीढ़ियों पर शूट किया जाता है, जिसमें इन सीढ़ियों पर अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्रे बैठे हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इन सीढ़ियों की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सीढ़ियों के पास में जो ये छतरी बनी हुई है, इस छतरी को भी मैच कर सकते हैं, और छतरी के पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इसी जगह पर शूट किया गया है। महाराणा जयसिंह ने खुद 1685 में डेबर झील का निर्माण करवाया, जिसे आज जैसमन झील के नाम से जाना जाता है। 36 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करते हुए यह झील तब तक एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बन चुकी थी। जब तक 1902 में अंग्रेजों ने मिस्र में आसवान बांध का गठन नहीं किया था, पानी की कमी की वजह से जयसिंह ने शासनकाल के समय इस झील का निर्माण हुआ। अपने पिता जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया के नक्शे कदम पर चलते हुए महाराणा ने गोमती नदी पर एक विशाल तटबंध बनाने का निर्णय लिया। यह डैम 36.6 मीटर ऊंचा है। इस झील का नाम उन्होंने अपने खुद के नाम पर रखा और इसे विजय का महासागर या राज जयसमंद कहा जाने लगा। बता दें कि 2 जून 1691 को बांध के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने अपने वजन के बराबर सोना वितरित किया। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य 160 वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको 1957 में पेश किया गया था। फिल्म का एक सीन जैसमन झील के किनारे इन सीढ़ियों पर शूट किया जाता है, जिसमें अक्षय खन्ना इन सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई देते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस कॉर्नर को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इन सीढ़ियों की डिज़ाइन को भी मैच कर सकते हैं, और जो सीढ़ियों के ऊपर छतरी बनी हुई है, इस छतरी की डिज़ाइन को और छतरी के पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इसी जगह पर शूट किया गया है। महाराजा जयसिंह द्वारा बनाई गई इस झील का एक लोकप्रिय स्थल है। जैसमंद झील पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। झील के अंदर बांध के सम्मुख एक टापू पर पर्यटकों की सुविधा के लिए जैसमंद आइलैंड का निर्माण एक निजी फर्म द्वारा करवाया गया। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने के लिए एक अच्छी सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, रेस्टोरेंट, तरण ताल एवं विविध मनोरंजन के लिए साधन उपलब्ध है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नौका का संचालन किया जाता है। नौका से झील में घूमना अपने आप में एक अनोखा सुख का अनुभव देता है। नौका से जैसमंद झील के अंदर निकट वन्य जीव प्रेमियों के लिए वन विभाग द्वारा वन्य जीव अभयारण्य भी बनाया गया है। तो दोस्तों, ये था फिल्म दहेक की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।